थैंक यू सर, थैंक यू। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे है हक हमारा। रैली इस वक्त मेन बाजार के आगे से महमूद कोट चौक की तरफ जा रही है, जिसमें शहरियों के अलावा सियासी जमातों के वर्कर्स ने भी शिरकत की है। यहाँ खड़े और मकसद ये है, ऐलान करना चाहते हैं जो सेना दुश्मन चाक करे। महमूद कोट चौक पर इस वक्त रैली आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं इंतहाई जरा का शुक्र गुजार हूँ डॉक्टर ताहिर, वो पुलिस डिप्टी तहसील है डॉक्टर ताहिर अब्बास भूटा साहब अपने कान यकजहती कश्मीर। हेलो, मैं तमाम अहबाब को, तमाम यूसीज दे जितने भी होते राम तशरीफ फरमाए सारे ने शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना कि वो आज अपनी रैली को सुहाए दे, आज कौमी यकजहती दे नाल सारा साथ दिते ने टी एल पी का। आदि ने मैं फिल्म सामी निगरामी मैंने तशरीफ फरमाए सारे अमीर पी पी 278 जो जनरल कौंसलर म्युनिसिपल कमेटी है वो भी स्टेज पे आ गए हैं, उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है, इस वक्त वो स्टेज पर मौजूद हैं। सबसे पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम तकरीबन ये स्टेज से खड़े हुए दोस्तों के पास एक और इज्जत बस्ती है, यहाँ भी तकलीफ कैद किया हो कश्मीर जैसी के सिलसिले में मैं इतने ज़्यादा जरा शुक्र गुजार हूँ वो तमाम सिनेमा के जितने भी एरिया गयूर लोग हैं जरा उन्होंने का शुक्र गुजार हूँ जिन्हें इन दीवार मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपेट किए और अपने जितने भी कम कारण उन्होंने खसूसी फाइट करिए और ये लोग सलाम के काबिल हैं, मैं इन्हें सलाम पेश कर दूजे नंबर से जी सब तो अहम गल है कि इमाम सब तो त्रै दर्जे ने उन्हें यह कि कहीं भी बुराई है भाई हाथ ना रोको जबान ना रोको जबान ना जिले रोक सकते कम अज कम दिल को बुरा समझो कि कश्मीर जगह ना ये दुनिया के उत्ते जन्नत नजीर है। अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत की जी तुझी साहब मिसाल पेश की है वो जन्नत नजीर है कि कश्मीर के जो कुछ थींदा पे अस मुसलमान सब तो पहले वो कस कम जनाना बंदा आखिरी दर्जे उत्ते फैल है जिसमें सारे बिना डॉक्टर बोल फरमाए कि कम अज कम वो बंदा दिल से कंडेम करेगा यार जनाना साहब ने कम अज कम इतनी बड़े सारे फिरावन का ज्यादती थी नहीं पड़ी है कम अज कम अस उन दोस्तों ने की थे जरा मुहाजे मुआशरा दे के प्रोटेस्ट करो एहतियात करो ये उस सिलसिले के लिए एहतियात है उस सिलसिले के लिए काट दे देखो खुशी जरा मैं मेहरबानी की थी यह भी बहुत बहुत सारे जगह सियासी जमात है बहुत बहुत पे लेकिन मैं इंतहाई शुक्र गुजार तरीके का पैक की क्या था जिन्होंने एक अरेंज की थे और साको मिल पहाड़ का एक मौका दी थे और असा इन्हें की थे तमाम हाजरीन कामयाबी नसीब फरमाए स्वामी जरूर इस्लाम जो तशरीफ लाए और हमें मीडिया है कवरेज दे रही है अल्लाह ताला मीडिया को वो इंतजामिया को हक सच का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए। हम दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा है उसको अगर खत्म किया जा सकता है तो सिर्फ अगर कहीं भी जुल्म खत्म किया जा सकता है तो उसका इलाज क्या है सिद्दीक उमर उस्मान अली वाली कार होनी चाहिए। याद रखना किसी भी सियासी जमात के पास चले जाए किसी भी सजेट पर चले जाए किसके जाए कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ जब भी मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर से मिलेगा। अपने क्या पढ़ा रहे इंशाल्लाह हर दिन पर तक
पाकिस्तान के वजीर आजम और जनरल साहब और इन्हें वो मशवरा दे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस फोर्स ने हमें सिक्योरिटी दी है, मैं दिल से तमाम पुलिस सिक्योरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू, थैंक यू। चैनल खुले चैनल को इकट्ठा करो, सब्सक्राइब करो और एक चैनल को कामयाब करो अपने हालात की आगाही वास्ते। पीपी की जितनी तहरीक है सारी उनको तो कवरेज हो सी दी साढ़े चैनल का नाए और पीपी की सोच होता है। ठीक है, अल्लाह का खुदेर का सलामत रखे सही। मैं जनाब बेहद मशहूर है जनाब डॉक्टर जनाब अलामा ताहिर शहीद साहब का और खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा कर रहा आरिफ भाई दादी का सपोर्ट قبول کرتے ہیں وانا ہاری سنی جو بار کی شروع میں شروع ہونے یا رحمان کے لیوانا حاضر حاضر قبول فرما ہماری ہمارے والدین سارے محبت کا فرما ہمارے سمیر کبیر گناہ معاف فرما اس ریلی ریلی کامیابی عطا فرما خاص اپنے میں کرم فرما اپنی خاص نیت رحمت عطا فرما امیر عمر جیسے حکمران عطا فرما امام عمر میرے امام حسین جیسے حکمران میں عطا فرما ہمارے مال جان عزت آبرو حفاظت فرما خاص نیت رحمت عطا فرما ملک پاکستان کی عالم اسلام کی خیر فرما امام مولا پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما افواج پاکستان کا امام مولا فتح و رشد عطا فرما تمام عالم اسلام کو امام مولا رضی اللہ عنہ نصیب فرما جتنے مومن بیمار ہیں شفا عطا فرما پریشان قبول فرما قبضہ قبضے سے خلاصی عطا فرما اور دکھا دے مدینہ وہ ایسی بستی ہے جہاں بے ذات رحمت برستی ہے को सनामा शहर में आपने एक रैली निकाली, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ झंडों के ऊपर क्रेन का निशान भी लगा हुआ है और आपने जो तकरीर की वो थोड़ी सी सियासी भी थी उसमें, तो मेरे एक दो मासूमाना सवाल है। पहला, आपने कहा कि जमहूरी निज़ाम तब्दीली नहीं लेके आ सकता, फिर क्यों तहरीक लब्बैक इंतखाबात में जा रही है, इस हवाले से आप हमें बताएं। सबसे पहली बात यह है कि जमहूरियत हो या सदारती निज़ाम हो या दुनिया का कोई भी निज़ाम हो, जब उसको इस्लाम के ताबे रखा जाएगा, इस्लाम के कवानीन और उसूल पर। आप जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं तो आप इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में आपकी जमात ने तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोट लिए, लेकिन आज सनामा शहर के इस महमूद कोट चौक में अगर देखा जाए तो आप हर बंदे नहीं निकाल सके, उसकी वजह क्या है कि आप शहर शहर आपका ये 5 फरवरी का जो इंतज़ाम था या सिर्फ सनामा शहर में आपका 200 से कम बंदे निकालना, क्या आप समझते हैं कि ये बहसियत जमात आपका फेलुअर है? जनाब ये है कि कोई भी जमात होती है उसको मेहनत की ज़रूरत होती है, जब वो मेहनत करेगी साथ देना या ना देना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना, हम चले हुए हैं जो आएगा साथ चलेगा। कितना बेहतर होता कि आप तमाम सियासी जमातों से इस शहर के अंजुमन ताजरान से मिलकर अगर ये रैली निकालते तो क्या इस तरह मुअसर पैगाम जाता? जी बिल्कुल जाता, और हमने दावतें पेश की हैं, हमने सब कुछ किया, अगर कोई ना आए तो इसमें हमारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे मौजूद काफ़ी दोस्त खड़े हैं, जमहूरी निज़ाम के हवाले से आपकी जो राय अभी आपने जो तकरीर में कही है वो है या आप इंतखाबी सियासत और जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं? मैं वजाहत कर रहा हूं। जी मैंने कहा कि कोई भी निज़ाम हो जब उसको इस्लाम के कवायद के मुताबिक लाएंगे तो तब ही कोई तब्दीली हो सकेगी। 70 साल से इसी जमहूरी निज़ाम से ही 1973 के आइन में तो नीम भी शामिल है। जी तो यही बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत जब इस्लाम के ताबे होगी, जो आज तक नहीं की गई जमहूरियत इस्लाम के ताबे, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर देखना निज़ाम कैसे चेंज होता है। यही वजह थी कि जमहूरियत थी 70 साल से लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए
कि इस्लाम को पीठ पीछे फेंका गया और अपनी सियासत और अपने इख्तदार को जब लोगों ने सामने रखा तो नुकसान हुआ। सनामा यूनिट के आने से एक तो सनामा शहर में आपने आगाही पैदा की है कि चाहे आपका 1 मई हो, यौम मजदूर हो, यौम कश्मीर है, इसके अलावा 25 दिसंबर है, हर इशूज पे आते हैं, क्या उसकी वजह यह है कि आप अपने वर्कर को मोमेंटम दे रहे हैं या तमाम अवामी इशूज के ऊपर अवाम की आवाज़ बन रहे हैं? आवाज बन रहे हैं और वो दीन की वजह से बन रहे हैं कि इस्लाम ने हमें सबक दिया है कि सिर्फ आप शोबाजी तक न रहें, बस 5 फरवरी को और चले जाओ, नहीं, हम अपने मकसद के साथ, इस्लामी मकसद के साथ आए हैं। इंशाल्लाह सिर्फ 5 फरवरी नहीं, साल के हर दिन में कश्मीर के साथ खड़े हैं और हर मजलूम के साथ खड़े हैं, अपनी जान माल लेकर खड़े हैं। तो साहब, आप मुंतखब जनरल कौंसलर हैं सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी के, तो आप अकेले कौंसलर नुमाइंदगी कर रहे हैं आज यौम कश्मीर की, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना अच्छा होता कि आपके दाएं बाएं कोई कौंसलर साहिबान होते, कोई चेयरमैन साहिबान होते। मैं पहले तो जो है इंतहाई शुक्र गुजार हूँ तरीके लबैक का कि जिन्होंने हमें जो ना ये पैगाम दिया, उन्होंने सबको बुलाया। मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ दोस्त बाद मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इन्होंने बुलाया और मैं हाजिर ना होता ये तो हो ही नहीं सकता था। अच्छा, बतौर सियासी कारकुन हमने बहुत रैली कवर की है, एहतजाज कवर की है, इनकी रैली बहुत मुनज्जम होती है, बतौर सियासी तालिबे इल्म आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इनकी जो बाबा जी की जो तालीमात है और उनकी जो तरबियत है, उसी का ये असर है कि आप देख लें कि तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ और एक कमरा तक नहीं टूटा, वो बाबा जी की तरबियत कहीं। क्या सनामा शहर में जितने भी सियासी जमातों के वर्कर्स हैं, जमातों के सेटअप हैं, उन्हें इनके जो मुनज़्ज़ब सेटअप को सीखने की ज़रूरत है? 100% सीखने का जो अमल है वो तो पैदाइश से लेके जो ना बात तक चलता है, अल्लाह तक चलता है इंसान का, वो आप कह सकते हैं कि इनको सीखना चाहिए इनसे। चौक में 5 फरवरी की रैली एक मुनज़्ज़म तरीके से इख्तिताम पज़ीर हो गई है। उस रैली का स्टार्ट जो था वो बुक्की चौक से था और इख्तिताम महमूद कोट चौक पे हुआ है। तकारीर भी हुई है और बहुत सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा हमने जो उनके लीडर्स आए हुए थे उनसे सियासी नौयत के चंद सवाल भी पूछे। इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई सवाल रहे तजवीज़ आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्तर टाइम वास्ते मैं दावत के मुताबिक हूँ जो मैं आपका ई शेर कि कितने किस्मत